शुगर चाहे 380 हो या फिर 480, शुगर चाहे 20 साल पुराना हो या फिर 25 साल, सिर्फ 10 दिन में ये नुस्खा कर देगा हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल जड़ से खत्म। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए शुगर रोग के लिए एक ऐसे चमत्कारी नुस्खे को लेकर आए हैं। यदि आप इसका सेवन लगातार 10 दिन तक कर लेते हैं तब आपका शुगर रोग बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों चाहे आपका शुगर कितना भी पुराने से पुराना हो, चाहे ये बीमारी आपको 20 साल से हो या फिर 25 साल से, और चाहे आपका शुगर भी कितना ही रहता हो, चाहे वो 300 हो, 380 रहता हो या फिर 480, वो भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा चमत्कारी नुस्खा है दोस्तों। आज हर घर में इस शुगर नामक बीमारी का मरीज पाया जाता है, और दोस्तों ये बीमारी बहुत अधिक भयानक है क्योंकि इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशन बहुत अधिक हैं। दोस्तों इस बीमारी के कारण किसी को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो किसी को हार्ट ब्लॉकेज है, इस बीमारी के कारण किसी की किडनी खराब हो रही है तो किसी को कोई अन्य बीमारी है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोई पेट के रोगों से परेशान है, यानी इस एक बीमारी के कारण आपका पूरे का पूरा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। लेकिन दोस्तों आज जो मैं नुस्खा आपको बताऊंगा वो आपके पूरे शरीर को बिल्कुल निरोगी बनाने का काम करेगा और आपकी इस शुगर की बीमारी का भी इलाज करेगा। इतना चमत्कारी है इस नुस्खे का सेवन। दोस्तों इस नुस्खे को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना है। वो है, सबसे पहले तो आपने अपनी जीवन शैली को सही करना है, आपने प्रॉपर नींद लेनी है, अच्छा भोजन करना है और जंक फूड, शराब, मीट इनका सेवन कम से कम करना है जितना भी हो सके। और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे और इसके साथ इस नुस्खे को भी आजमाएंगे तब आप देखेंगे कि आपका शुगर रोग बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों ये नुस्खा ना सिर्फ इस शुगर की बीमारी का इलाज करेगा बल्कि आपके शरीर की इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति को भी बढ़ाएगा। और दोस्तों यह तो आप भली भांति जानते हैं कि यदि आपके शरीर की इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति मजबूत होगी तब आप बहुत तरह की बीमारियों से बच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस चमत्कारी नुस्खे के बारे में। दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए जो आपको आवश्यक सामग्री चाहिए वह है करेला 150 ग्राम, जामुन 150 ग्राम, मेथी दाना 150 ग्राम, मेथी पत्ता 120 ग्राम, मेथी चंपा 120 ग्राम, गिलोय 100 ग्राम, गुड़मार बूटी 100 ग्राम, नीम के पत्ते 100 ग्राम, बेलगिरी 100 ग्राम, चिरियता 50 ग्राम, बेलगिरी पत्ता 100 ग्राम, नीम की निमोली 100 ग्राम, काला नमक 50 ग्राम, शुद्ध शिलाजीत 10 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम और सतावर 50 ग्राम। दोस्तों ये सभी आपको सामग्री चाहिए, यह आपको किसी भी नजदीकी पंसारी की शॉप से मिल जाएगी या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी इसको बाय कर सकते हैं। अब आपने इन सभी को छाया में सुखा लेना है और सुखाकर इनको ग्राइंडर करके इनको अच्छी तरह से पीसकर इनको मिक्स करके इनका पाउडर बना लेना है। और दोस्तों ये पाउडर है आपका शुगर नाशक नुस्खा जो आपको इस रोग से तो बचाएगा ही साथ में आपके शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति को भी बहुत अधिक बढ़ाएगा। इसके साथ में दोस्तों ये नुस्खा आपके शरीर की कमजोरी का भी इलाज करेगा। जो डायबिटीज के कारण आपके शरीर में कमजोरी आ जाती है ये उस कमजोरी को भी दूर करने का काम करेगा। इसके बाद आपको किसी भी तरह की कोई भी कमजोरी नहीं आएगी, यानी ये नुस्खा आपके शरीर की कमजोरी का भी इलाज है। दोस्तों अब जानते हैं इसके सेवन की विधि। दोस्तों आपने क्या करना है, इस नुस्खे के 1 चम्मच की मात्रा का सेवन आपने हर रोज खाना खाने से आधे घंटे पहले करना है, यानी आप सुबह जब आप ब्रेकफास्ट करें तब आपने आधा घंटा पहले करना है और रात को जब आप डिनर करें तब भी आपने उससे आधा घंटा पहले सेवन करना है, यानी कि दिन में 2 बार आपने इस नुस्खे का 1-1 चम्मच की मात्रा में सेवन करना है और खाना खाने से आधा घंटा पहले करना है। और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तब आपको 10वें दिन से अपने शरीर में चमत्कारिक बदलाव महसूस होंगे। दोस्तों आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल सही हो जाएगी, आपके शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी और आपके शरीर की हर तरह की कमजोरी का भी इलाज हो जाएगा। तो दोस्तों देर किस बात की है, आप भी आज ही इस नुस्खे को अपने घर पर बनाएं और इस नुस्खे का प्रयोग करें और इस डायबिटीज की बीमारी का हमेशा हमेशा के लिए घर पर ही इलाज कर दें। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ
में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।